हाय गाइस, दिस इज योमेश सिन्हा। लास्ट क्लास तक हमने हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, जो कि हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट वीडियो में हमने उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस किए थे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर टेक ऑफ यूनिट के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीटीओ। ठीक है ना? क्या उसका फुल फॉर्म होता है? पावर टेक ऑफ यूनिट। पीटीओ का फुल फॉर्म पावर टेक ऑफ। और ये आपका जैसे कि जो ट्रैक्टर से हम जो पावर आउटलेट्स होते हैं, उसमें से एक आपका आउटलेट क्या है, आपका पावर टेक ऑफ। ठीक है? एक तो आपका आपका 3 पॉइंट लिंकेज जो होता है, उससे आपका एक पावर पावर आउटपुट, मतलब पावर आउटपुट होता है। एक होता है ड्रॉबार से होता है, अपन ड्रॉबार से किसी भी चीज को हीच करने के लिए अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। और एक क्या होता है आपका पावर टेक ऑफ। ठीक है ना? इससे भी क्या होता है, जो ट्रैक्टर में जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ट्रैक्टर इंजन में जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है, उसको आप कहाँ कहाँ यूटिलाइज करते हैं या फिर कहाँ कहाँ उसका आउटपुट लेते हैं। ठीक है ना? तो एक आपका 3 पॉइंट लिंकेज में आउटपुट लेते हैं, एक आपका ड्रॉबार में आउटपुट लेते हैं, और एक आपका किस में आउटपुट लेते हैं, पावर टेक ऑफ यूनिट। ठीक है? और जो उसमें जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें व्हील को रोटेट करने के लिए आप जो पावर जाता है वो अलग हो गया, क्योंकि वो तो मतलब उस व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए या फिर व्हीकल में मोशन देने के लिए वो आपका पावर ले रहा है। ठीक है ना? बट जो मेन आउटपुट होता है वो आपका होता है जो ड्रॉबर हो गया, जो 3 पॉइंट लिंकेज जो हाइड्रोलिक्स कनेक्टेड होता है वो हो गया, और एक क्या हो गया आपका पीटीओ। ठीक है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पीटीओ होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पावर टेक ऑफ कहाँ पर होता है ये उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है ना, ये आप ट्रैक्टर में कभी इसको ध्यान दिए होगे कि नहीं, ये पता नहीं मेरे को, बट ऐसे ध्यान देना जो रियर साइड होता है ना, जैसे कि आपका ये जो लेफ्ट में इमेज है इसको देखो, ये आपका व्हीकल का जो बैक साइड से जो व्यू है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो जस्ट ड्रॉ बार के जो नीचे, यहाँ पर जैसे कि ये सर्कल जो दिख रहा है ना, जैसे ये सर्कल जो लिखा हुआ है, पीटीओ लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या रहता है, ये एक शाफ्ट निकला रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पीटीओ। अभी जो जूम आउट करके इसको जो इमेज है यहाँ पर लिखा है, जैसे ये क्या रहता है ये, ठीक है ना, एक छोटा सा शाफ्ट निकला है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पीटीओ बोलते हैं। जो कि आपका जो ट्रैक्टर होता है उसे कहाँ पर होता है, बैक साइड में होता है। ठीक है ना? तो जनरली आजकल का जो ट्रैक्टर होता है उसमें फ्रंट पीटीओ भी आता है, जो मॉडर्न ट्रैक्टर आ रहे हैं, तो ऐसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक साइड में होता है, फ्रंट पीटीओ भी आता है और बैक पीटीओ भी आता है। वो अब अकॉर्डिंग टू जैसे नया नया जो मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स आ रहे हैं या फिर इम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, उसको क्या करते हैं, जनरली अब ट्रैक्टर के फ्रंट में उसको अटैच करते हैं, तो वहां पर फ्रंट पीटीओ भी होता है और रियर पीटीओ भी होता है। बट आपको जनरली देखने को क्या मिलेगा, जो आज डेट में जो कॉमन यूज हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ बोलो या फिर इंडिया में बोलो, तो हमारे इंडिया में जनरली आजकल जो रियर में जो पीटीओ रहता है वही यूज हो रहा है। कुछ जो मॉडर्न ट्रैक्टर आ रहा है या फिर जो फॉरेन कंपनी जो ट्रैक्टर बनाती है, उसमें किसी किसी में जो हैवी एचपी के जो ट्रैक्टर बना रहा है, उसमें आपको फ्रंट पीटीओ भी देखने को मिल जाएगा। मतलब जो ट्रैक्टर का फ्रंट रहता है वहां पर भी एक आपका एक पीटीओ शाफ्ट वहां पर भी लगा रहता है। आप वहां पर भी आप जो पीटीओ से कुछ भी आपका इंप्लीमेंट हो गया या फिर जो भी जो वहां पर पीटीओ में जनरली रोटरी मोशन मिलता है, उस मोशन को आप किसी भी जो आपका अदर जो इक्विपमेंट्स होगा या फिर जो अदर मशीन्स होगा एग्रीकल्चर रिलेटेड, उसको आप ऑपरेट करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पावर टेक ऑफ यूनिट क्या होता है? सो इट इज द पावर आउटलेट ऑफ द ट्रैक्टर। पीटीओ इज प्रोवाइडेड टू ऑपरेट ट्रेल्ड माउंटेड और रिमोट इक्विपमेंट विद द पावर फ्रॉम द ट्रैक्टर इंजन। ठीक है ना? तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक आउटलेट है जिसका आपका जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है ना ट्रैक्टर में, उसका क्या है, एक आउटलेट है। और जो पीटीओ होता है, जैसे कि जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, एक आपका ट्रेल्ड इम्प्लीमेंट होता है, एक माउंटेड होता है और एक सेमी माउंटेड होता है। ठीक है ना? तो जो आपका ट्रेल्ड इम्प्लीमेंट हो गया या फिर जो माउंटेड इम्प्लीमेंट हो गया, जो रिमोट एरियाज में अगर आपका कोई भी मशीन हो गया, जैसे कि आपको हार्वेस्टर चलाना है या थ्रेसर चलाना है, तो वो सब चीज के लिए क्या होता है, आपका पावर टेक ऑफ यूनिट यूज होता है। जैसे कि आप जनरली फील्ड वील्ड में ऐसे रोड से जाते हुए देख सकते हो कि जैसे कि जिस टाइम थ्रेसिंग का टाइम चलता है, ठीक है ना, जनरली जो थ्रेसिंग के टाइम में क्या होता है कि आपका थ्रेसर रखा रहता है और ट्रैक्टर को स्टार्ट करके छोड़ दिया रहता है। ठीक है ना? और उसके पीटीओ शाफ्ट से आपका क्या रहता है, थ्रेसर को कनेक्ट कर दिया रहता है। ठीक है? जहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता वहां पर, तो वैसे भी आजकल आजकल आप जैसे जनरली आप देखोगे कि जो जितने भी थ्रेसर्स वगैरह बनते हैं, तो उसमें आप वो पीटीओ ऑपरेटेड ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना? क्योंकि आप ट्रैक्टर के पीटीओ से आप टेलीस्कोपिक शाफ्ट या फिर जो यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है, उस शाफ्ट के थ्रू आपका जो आपका पीटीओ रहता है, उसको आप जो आपका इक्विपमेंट है, चाहे हार्वेस्टर हो, ठीक है ना, तो हार्वेस्टर चाहे थ्रेसर, जनरली थ्रेसिंग में रहता है ये चीज,
तो थ्रेसिंग में आप उसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और आपका जो इंजन से जो ट्रैक्टर इंजन में जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है उस पावर को आप कहाँ यूटिलाइज करते हो, थ्रेसिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है, इट इज द पावर आउटलेट ऑफ ट्रैक्टर, पीटीओ इज प्रोवाइडेड टू ऑपरेट ट्रेल्ड माउंटेड और रिमेट इक्विपमेंट विद द पावर फ्रॉम द ट्रैक्टर इंजन, ठीक है। जो ट्रैक्टर इंजन से पावर आ रहा है उस पावर से आप जो इंप्लीमेंट्स को ऑपरेट करोगे, फिर जो रिमोट एरियाज है वहां पर जो इक्विपमेंट्स हैं, या फिर रिमोट एरिया नहीं बोलना चाहिए, जो भी एरिया हो, जैसे कि आजकल जनरली थ्रेसिंग जो होता है आपको हर जगह देखने को मिलेगा, जो थ्रेसिंग होता है वो पीटीओ ऑपरेटेड थ्रेसर बना रही है हर एक कंपनी, तो पीटीओ से जनरली कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और आपका थ्रेसिंग मतलब फील्ड में ही थ्रेसिंग कर देते हैं, ठीक है ना। पीटीओ शाफ्ट इज स्प्लाइन शाफ्ट लोकेटेड एट द रियर ऑफ द ट्रैक्टर, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, जो पीटीओ शाफ्ट होता है वो का मतलब स्प्लाइन शाफ्ट होता है, और रियर में ट्रैक्टर कहाँ होता है, रियर में लोकेटेड होता है, ठीक है ना। बट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आजकल कुछ कुछ जो मॉडर्न ट्रैक्टर आ रहे हैं उसमें फ्रंट पीटीओ भी आ रहा है, ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि रियर में रहता है या फ्रंट में रहता है, बट आपको जो जनरली देखने को मिलेगा वो रियर पीटीओ ही देखने को मिलेगा, फ्रंट पीटीओ आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे जो एट प्रेजेंट जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो मतलब जो हमारा जो इंडिया में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है फिर, तो वो सारा का सारा जो रियर पीटीओ बेस्ड ही जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है वो सारा उसके बेस पे ही चल रहा है, ठीक है ना। और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट इज क्लॉकवाइज एंड कवर्ड बाई ए मास्टर शील्ड, ठीक है। तो ये जो पीटीओ का जो डायरेक्शन होता है ये क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि रोटेशन ऑफ द पीटीओ इज, ए ऑप्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज, बी एंटी क्लॉकवाइज, और सी हो जाएगा नन ऑफ दिस, या फिर बोथ हैंड बी, इस टाइप से आपका ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पीटीओ का होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज, इट मीन्स जैसे कि ये पीटीओ है मान लो जाए तो ये किस टाइप से होता है, इस टाइप से, ठीक है ना। इसका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है ना, ऐसे 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 घूमता है ये, ठीक है, इस साइड इसका जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका पीटीओ हो गया, पीटीओ का इंट्रोडक्शन हो गया कि कहाँ पर रहता है, ट्रैक्टर के पीछे माउंट रहेगा, ये पीटीओ शाफ्ट दिखता कैसे, ऐसा देखो अलग अलग पीटीओ होता है वो अलग, मतलब दो तीन टाइप के पीटीओ शाफ्ट होते हैं, अपन नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो यहाँ पर जो स्प्लाइंस बना हुआ है ना, ये जैसे कि ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्प्लाइंस है ये, ठीक है ना। इसमें जो स्प्लाइंस बने होते हैं वो 6 स्प्लाइंस है, 21 स्प्लाइंस का भी आता है, 20 स्प्लाइंस का भी आता है, और उसका जो रोटेशन हो मतलब आरपीएम होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट की, 1 मिनट में आपका पीटीओ कितना रिवॉल्यूट करेगा, वो भी डिफरेंट डिफरेंट पीटीओ का अलग अलग होता है, और जो इसका डायमीटर जो है ना, ये डायमीटर भी क्या होता है, डिफरेंट मतलब अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के पीटीओ हैं आपके, जैसे कि नॉमिनल डायमीटर होता है वो तो 35 mm का ही होता है जनरली, जो जैसे कि पीटीओ जो दिख रहा है ना, ये तो वही हो गया 6 स्प्लाइंस वाला हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तीन आपको जैसे कि वैरायटी मिल रहा है क्या चीज का, आपका पीटीओ का, तो जैसे कि डायमीटर तो हो गया सब में कॉमन है, क्या चीज 35 mm सबका डायमीटर सेम होता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्प्लाइंस देख लेते हैं कि जैसे कि ये 6 स्प्लाइंस है, जैसे कि ये वाला इमेज दिख रहा है, ठीक है ना, ये 6 स्ट्रेट स्प्लाइंस है, ठीक है ना। स्ट्रेट इसमें इट मीन्स जैसे कि आपका इसको अगर देखोगे तो स्ट्रेट का मतलब है जो स्प्लाइंस है वो किस टाइप से है आपका, ये इस टाइप से, ठीक है ना। और इनवोल्यूट स्प्लाइंस मतलब क्या होता है आपका, इस टाइप से रहता है वो, जैसे कि ये देखो, ये फिर ऐसे सीधा, फिर ऐसे, और ये, ठीक है, जैसे कि ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये इनवोल्यूट स्प्लाइंस हो गया, और एक क्या होता है, स्ट्रेट स्प्लाइंस हो गया। तो तीन टाइप के होते हैं जिसमें तीन का अलग अलग यहाँ पर जो चार्ट दिया हुआ है, कि एक आपका हो गया 6 स्प्लाइंस स्ट्रेट स्प्लाइंस होते हैं, एक में 21 इनवॉल्यूट स्प्लाइंस होते हैं, और एक क्या हो गया 20 होता है, ठीक है ना। और जो स्पीड होता है, जो 6 वाला है उसका स्पीड होता है 450 ± 10 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है ना। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब आपका जो ये शाफ्ट है 1 मिनट में कितने बार क्लॉकवाइज रोटेट होगा। और जो 21 इनवॉल्यूट वाला है इसका जो आरपीएम होता है 1000 ± 25, और जो 20 वाला होता है इसका भी जो आरपीएम होता है वो क्या होता है, ±25, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका क्वासी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो पीटीओ, मतलब जो पीटीओ के टाइप तो अलग होते हैं, बट ये हो गया क्लासिक, मतलब एक प्रकार से जो पीटीओ अवेलेबल है जो अलग अलग कंपनी है वो अलग अलग बनाती है। बाकी जो टाइप्स ऑफ पीटीओ है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, सेमी डिपेंडेंट, वो अलग हो गया, और ये भी एक प्रकार से क्लासिफिकेशन हो गया है इसका, किसका, ऑन द बेसिस ऑफ स्प्लाइंस हो या फिर ऑन द बेसिस ऑफ आरपीएम हो, आप पीटीओ को ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्वोल्यूट स्प्लाइंस वाला शाफ्ट हो गया, ये स्ट्रेट 6 वाला शाफ्ट हो गया, तो इसमें यहां से
आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली बनता है कि आपका जैसे कि 6 स्टेट स्प्लाइंस हो गया तो उसका जो आरपीएम कितना होगा, आपके पास ऑप्शन कुछ भी दे देगा वो, तो ये जो डेटा है ये वाला, ठीक है ना, कि 6 स्प्लाइंस का जो आरपीएम कितना होता है 450 ± 10, और 21 का कितना होता है इतना होता है, 20 का कितना होता है तो उसका 1000 ± 25, ये इसको आप अच्छे से याद रखना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब जनरली जो एग्जामिनर है अगर वो एग्जाम मतलब पेपर सेट करेगा तो यहाँ से ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट्स को, इसलिए या तो आपका आरपीएम दे देगा और पूछेगा कि ये नंबर ऑफ स्प्लाइंस पूछेगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि पीटीओ का जो नॉमिनल डायमीटर होता है वो कितना होता है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ किससे, जो नॉमिनल डायमीटर होता है पीटीओ का। तो अच्छी बात यह है कि जनरली जो कोई भी पीटीओ हो, जैसे कि 6 स्टेट स्प्लाइंस हो, 21 हो या 20 वाला हो, तो उसका जो डायमीटर हो कितना होता है 35 mm होता है, ठीक है। किसी किसी बुक में आपको 36 mm भी देखने को मिल सकता है, बट अगर जैसे कि आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, तो अगर आपके पास 35 और 36 दोनों का ऑप्शन है तो आप 35 में जाना, और अगर आपका जैसे कि एक 30, 36, 40 और 45 इस टाइप से ऑप्शन है तो आपका नियर अबाउट क्या हो जाएगा, आपका 36 mm हो जाएगा, ठीक है ना। बट अगर आपके पास ऑप्शन ऐसा है 34 mm, 35 mm, 36 mm और 37 mm, तो आप किसके में जाना, आप मतलब आप किसको टिक करना, 35 mm को टिक करना, ठीक है। और या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भी अगर क्वेश्चन आता है कि डायमीटर ऑफ द पीटीओ शाफ्ट फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे करके, तो फिर मतलब उस फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप क्या लिखना, 35 mm ही लिखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये चार्ट है किसका, कि आपका जो पीडियो शाफ्ट होता है वो अलग अलग जो डायमीटर हो, डायमीटर तो कॉमन होता है, जो अलग अलग इनवॉल्यूट स्प्लाइंस हो गया, स्ट्रेट स्प्लाइंस हो गया, जो नंबर ऑफ स्प्लाइंस है वो हो गया, और जो आरपीएम हो गया, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पीडियो शाफ्ट होते हैं, कि कितने कौन कौन से शाफ्ट होते हैं और उसका कब किसका क्या रोल है, कौन बेटर है, कौन अच्छा मतलब किससे बेटर कौन सा है। तो जनरली जो पीटीओ शाफ्ट होता है उसको थ्री मतलब तीन टाइप में से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हो गया आपका नॉट इंडिपेंडेंट, और सेकंड हो गया सेमी इंडिपेंडेंट, देन इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो नॉट इंडिपेंडेंट मतलब ये क्या होगा, डिपेंडेंट। तो देखो सबसे पहला नॉट इंडिपेंडेंट मतलब नाम से क्लियर है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। तो द पीटीओ शाफ्ट इज डायरेक्टली कपल्ड टू द इंजन बाय द सेम क्लच एज द ट्रैक्टर फॉरवर्ड ट्रांसमिशन, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टॉप द ट्रैक्टर विदाउट स्टॉपिंग द पीटीओ शाफ्ट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम में जब पढ़ रहे थे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, तो वहां पर हमने क्लच के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये जो नॉट इंडिपेंडेंट टाइप का जो पीटीओ शाफ्ट होता है ये डायरेक्टली कपल रहता है किसके साथ, इंजन के साथ, ठीक है ना। तो डायरेक्टली कपल रहेगा तो क्या होगा, वही इसमें जैसे कि आगे बोला गया है, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टॉप द ट्रैक्टर विदाउट स्टॉपिंग द पीटीओ शाफ्ट, मतलब अगर आप ट्रैक्टर को रोकोगे तो पीटीओ शाफ्ट भी रुकेगा, ठीक है ना, या फिर पीटीओ शाफ्ट को रोकोगे तो आपका ट्रैक्टर भी रुकेगा, ठीक है। तो इंजन से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है एक ही क्लच से, ठीक है ना। तो अगर आपको ट्रैक्टर को रोकना है तो आपको पीटीओ शाफ्ट को भी रोकना पड़ेगा, और अगर पीटीओ शाफ्ट रुक रहा है तो आपका ट्रैक्टर भी रुकेगा। इसी चीज को जैसे कि वापस से इसको पढ़ता हूँ, करना है द पीटीओ शाफ्ट इज डायरेक्टली कपल्ड टू द इंजन बाय द सेम क्लच एज द ट्रैक्टर फॉरवर्ड ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन के लिए जो आपका क्लच है उसी क्लच से ही आपका क्या रहता है, ये जो मतलब पीटीओ शाफ्ट है उसी से ही कनेक्टेड रहता है आपका, उसी से वहां पर पावर आता है, और इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टॉप द ट्रैक्टर विदाउट स्टॉपिंग द पीटीओ शाफ्ट, अगर पीटीओ आप पीटीओ शाफ्ट को रोके बिना आप ट्रैक्टर को नहीं रोक सकते, ठीक है। सेकंड है आपका क्या चीज, सेमी इंडिपेंडेंट। तो सेमी इंडिपेंडेंट नाम से क्लियर है कि सेमी इंडिपेंडेंट मतलब कुछ इंडिपेंडेंट है कुछ डिपेंडेंट है इस टाइप से। सो पीटीओ कपल टू द इंजन बाई ए डबल क्लच, ठीक है, द पीटीओ कैन बी स्टॉप्ड विदाउट स्टॉपिंग द ट्रैक्टर। अब देखो यहां पर ये डबल क्लच लगा रहता है, मतलब वहां पर दो क्लच लगा रहता है, आप जैसे कि पहले उसको स्टॉप मतलब अगर पहले अगर पैडल प्रेस करोगे तो आपका ट्रैक्टर रुकेगा, देन फिर ये पैडल प्रेस करोगे तो आपका क्या रहेगा, पीटीओ ऑपरेट होना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो पीटीओ कैन बी स्टॉप विदाउट स्टॉपिंग द ट्रैक्टर, ठीक है, अगर आप ट्रैक्टर को स्टॉप कर देते हो, जैसे कि पीटीओ को आप स्टॉप कर सकते हो विदाउट स्टॉपिंग द ट्रैक्टर, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या चीज आपका, सेमी इंडिपेंडेंट टाइप का हो गया। देन लास्ट आता है आपका इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट पीटीओ मीन्स दैट द पीटीओ शाफ्ट इज कंट्रोल्ड विद अ सेपरेट क्लच, ठीक है, एक अलग क्लच लगा रहता है किसके लिए, आपके पीटीओ के लिए, ठीक है। मतलब एक तो एक क्लच हो गया आपका ट्रांसमिशन के लिए, और एक क्लच लगा होता है आपका किसके लिए, पीटीओ के लिए, ठीक है ना। इन दिस इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ट्रैक्टर विदाउट स्टॉपिंग द पावर टेक ऑफ यूनिट, एंड द पावर टेक ऑफ यूनिट कैन बी स्टॉप विदाउट स्टॉपिंग द ट्रैक्टर, मतलब आप पावर टेक ऑफ यूनिट को भी स्टॉप कर सकते हो ट्रैक्टर को बिना स्टॉप किए, या फिर ट्रैक्टर को स्टॉप कर सकते हो पावर टेक ऑफ यूनिट को बिना स्टॉप किए, ठीक है ना।
तो जैसे कि ये टाइप्स ऑफ पीटीओ शाफ्ट हो गए, इसमें आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि बेस्ट पीटीओ शाफ्ट कौन सा है, तो बेस्ट होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट क्यों होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपका पीटीओ जो है उसके लिए अलग क्लच प्रोवाइड किया गया है, और जो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके लिए अलग क्लच प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो जनरली आपको जैसे कि आजकल जो जितने भी ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, फिर जितने भी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो भी जो पीटीओ है, फिर जो पीटीओ बनाते हैं, वो जनरली इंडिपेंडेंट ही प्रीफर करते हैं, या फिर जो फार्मर्स हो गए, या फिर आज के जो रिक्वायरमेंट है वो बेटर क्या है, मतलब अगर आपसे ऐसा पूछते हैं कि बेटर ऑप्शन कौन सा है ये तीनों पीटीओ में, तो बेटर ऑप्शन है आपका जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। क्योंकि उसको ट्रैक्टर जो ट्रैक्टर को आप स्टॉप कर रहे हो या फिर पीटीओ की स्टॉप कर रहे हो, दोनों क्या होता है सेपरेट सेपरेट होता है, आपका ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए अलग क्लच प्रोवाइड किया गया है, और पीटीओ शाफ्ट के लिए आपका अलग ट्रैक्टर मतलब सॉरी अलग आपका क्लच प्रोवाइड किया गया, ठीक है ना। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पीटीओ। तो आज हम ये पीटीओ में सिर्फ इतना ही है, आपके सिलेबस में मेंशन है सिर्फ पावर टेक ऑफ यूनिट। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज पीटीओ शाफ्ट, तो ये सब जो पीटीओ शाफ्ट इट इज अ पावर आउटलेट ऑफ ए ट्रैक्टर, ये सब लिख देना, ये कुछ इमेजेस बना देना उसके बारे में। और अगर क्लासिफिकेशन आता है तो टाइप्स ऑफ पीटीओ शाफ्ट, तो नॉट इंडिपेंडेंट, सेमी इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये सब लिखना। अगर आपका स्पेसिफिकेशंस पूछा जाता है कि पीटीओ शाफ्ट के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, तो जो स्पेसिफिकेशंस है यहाँ पर, जैसे कि ये जो ये टेबल बना हुआ है यहाँ पर क्या लिखा है, इसके स्पेसिफिकेशंस है कि कौन सा जो पीटीओ शाफ्ट है वो उसका डायमीटर, डायमीटर तो सेम होता है, तो 6 स्ट्रेट स्प्लाइंस है तो उसका आरपीएम क्या होगा, या फिर 21 इनवॉल्यूटेड स्प्लाइंस है तो उसका आरपीएम क्या होगा, या फिर 20 इनवॉल्यूटेड स्प्लाइंस है तो उसका आरपीएम क्या होगा। देखो 21 और 20 का आरपीएम क्या है, लगभग मतलब आरपीएम क्या है, सेम है आपका 1000 प्लस माइनस 25, 1000 प्लस माइनस 25। आपको सिर्फ दो वैल्यू याद रखनी, 540 प्लस माइनस 10 और 1000 प्लस माइनस 25। देखो किसी किसी बुक में यहाँ पर जो है 21 इनवॉल्यूटेड स्प्लाइंस और 20 स्प्लाइंस का सिर्फ 1000 मिलेगा, मतलब प्लस माइनस ऐसे कुछ नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ ऐसा ऐसा लिखा रहेगा कि जो 21 इनवॉल्यूटेड स्प्लाइंस है उसका जो आरपीएम क्या होता है वो 1000 होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, वो प्लस माइनस 25 ही रहता है। तो ये जो डेटा है, ये जैसे कि जो हम लोगों का जो हैंडबुक होता है उसका डेटा है कि 1000 प्लस माइनस 25, ठीक है। सो आज का ये टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।